अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हतीम टेक न्यूज़। मैं हूं अब्दुल मतीन और आज के इस वीडियो में इन दो डिवाइसेस का डिटेल कैमरा रिव्यू होने वाला है। मेरे पास है गैलेक्सी A52 और दूसरी तरफ है रेडमी नोट 10 प्रो। इन दोनों डिवाइसेस का कैमरा रिव्यू की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, तो आज हम करेंगे डिटेल कैमरा रिव्यू। डेप्थ में जाके देखेंगे, हर एक फीचर्स को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है, इसके अंदर में 64 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप मिलता है, तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। पिक्चर क्वालिटी चेक करेंगे, डिटेल्स कैसी होती हैं पिक्चर्स के अंदर, और स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन को ऑल जरूर कर लें ताकि तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम। तो दोनों डिवाइसेस के कैमरे के अंदर आ गए हैं हम, और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंट कैमरे की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। दोनों के अंदर में 1080p 30fps पे फ्रंट रिकॉर्डिंग मिल रही है, और बैक साइड पे दोनों में हमें अल्ट्रा एचडी का ऑप्शन यानी 4K का ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन फ्रंट कैमरे पे 1080p 30fps पे सिर्फ ऑप्शन मिल रहा है। और इसके साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा मूवमेंट करके। अच्छा, स्टेबलाइजेशन यहाँ पे ऑन नहीं है दोनों की, अभी बाद में हम स्टेबलाइज वाली वीडियो का शॉट भी लेंगे। अभी हम जाते हैं थोड़ा सा धूप में सनलाइट पे और उसको हम देखते हैं डायनेमिक रेंज कैसी है। मैं मूव करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे सनलाइट आ रही है डायरेक्ट मेरे चेहरे पे, और दोनों डिवाइस के अंदर मुझे इतना ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। गैलेक्सी A52 का ज़्यादा मुझे बेहतर लग रहा है नोट 10 प्रो के मुकाबले में। बाकी अभी तो मैं मोबाइल स्क्रीन पर देख रहा हूँ, आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों को कौन सा बेहतर लग रहा है। और यहाँ पर अगर हम इस तरह से मूव होते हैं बैकग्राउंड पर देखते हैं, और यहाँ पर शेडो अगर हम देखें तो शेडो नहीं बन रहा इसमें, दोनों में कैमरे में नज़र नहीं आ रहा शेडो का। कलर्स अगर देखें बैकग्राउंड के तो काफ़ी अच्छे रहे हैं सर, ग्रीन कलर ग्रास का सेम आ रहा है दोनों के अंदर, नंबर डिफरेंस मुझे नहीं दिख रहा। अभी हम इसका स्टेबलाइज शॉट भी ले लेते हैं और बैक कैमरे से शॉट भी रिकॉर्ड करते हैं, फिर देखते हैं कैसा रिज़ल्ट हमें मिलता है। अच्छा, यहाँ पर एक डिफरेंस हो रहा है हमारे पास गैलेक्सी A52 के अंदर फ्रंट कैमरे पर भी अल्ट्रा HD 30fps का ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन हमारे पास रेडमी नोट 10 प्रो के अंदर हमें नहीं मिला। ये एक डिफरेंस है। नोट 10 प्रो के अंदर फ्रंट कैमरा आप खाली 1080p 30fps पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। अच्छा, ये शॉट है हमारे पास दोनों डिवाइसेस के बैक कैमरे का, और ये दोनों 4K वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है 30fps पे। दोनों डिवाइसेस बैक कैमरा 4K वीडियो रिकॉर्ड सपोर्ट करते हैं 30fps पे, और यहाँ पे भी स्टेबलाइजेशन अभी ऑन नहीं है दोनों की। अभी हम विदाउट स्टेबलाइजेशन वीडियो बना रहे हैं। एक में हमें मिलती है OIS और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, जबकि दूसरे में हमें मिलती है EIS की सपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन। तो अभी देखेंगे कैसा रिज़ल्ट होगा। और अगर हम यहाँ पे बात करें डायनेमिक रेंजेस की और कलर्स की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों डिवाइसेस के अंदर अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मुझे मोबाइल स्क्रीन पर ज़्यादा जो अच्छे ग्रीन ग्रास लग रहे हैं वो गैलेक्सी A52 के लग रही है रेडमी नोट 10 प्रो के मुकाबले में। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों डिवाइस के अंदर सन कैप्चर करते हैं हम, तो यहाँ पर दोनों में से सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे लग रहा है रेडमी नोट 10 प्रो ने ज़्यादा अच्छा कैप्चर किया है। और अगर हम इसका अपोजिट साइड चलते हैं सनलाइट की, शेडोज़ आप देख सकते हैं दोनों के अंदर शेडोज़ आपको नज़र आ रहे होंगे कैमरे के अंदर, और ज़्यादा बेहतर जो यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे रिजल्ट सनलाइट के अंदर वो यहाँ पे गैलेक्सी A52 का बेहतर लग रहा है। कलर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। अब हम एक स्टेबलाइज शॉट भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये हमारे पास दोनों डिवाइसेस के अंदर स्टेबलाइजेशन ऑन कर दी है, स्टेबलाइज ऑन करके। अच्छा, जैसे ही आप स्टेबलाइजेशन ऑन करते हैं दोनों डिवाइसेस के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग 1080 पे आ जाती है अगर आपने अल्ट्रा HD सेलेक्ट की हुई है, लेकिन जैसे ही आप स्टेबलाइजेशन ऑन करेंगे तो दोनों के अंदर ऑटो वीडियो रिकॉर्डिंग आ जाएगी 1080p पे। अच्छा, इसके साथ साथ हमने वॉइस भी चेक करनी है, वॉइस रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी कैसी है इसकी। तो अभी तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके बाद जब वीडियो सुनते हैं जब अंदाज़ा होगा कि किसकी बेहतर है वीडियो रिकॉर्डिंग की, इसकी क्वालिटी किसने ज़्यादा अच्छे कैप्चर की है, वॉइस नॉइस कितनी है। और यहाँ पे ग्रास अगर देखें दोनों के अंदर तो यहाँ पे नोट 10 प्रो के ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं कलर्स सनलाइट की बैक साइड पे। बाकी मुझे आप लोग बताइएगा, क्योंकि मैं तो दोनों की मोबाइल स्क्रीन पे भी देख रहा हूँ, तो मुझे ज़्यादा बेहतर जो लग रहा है वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। बाकी स्क्रीन पर हम देखेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो फिर देखेंगे बेहतर किसका लग रहा है, किसकी रिकॉर्डिंग ज़्यादा बेहतर थी, वॉइस चेक करेंगे। स्टेबलाइजेशन की बात करें तो ज़्यादा अच्छी जो स्टेबलाइजेशन है यहाँ पे गैलेक्सी A52 में हमें मिल रही है, और यहाँ पे मैं आप देख सकते हैं वॉक कर रहा हूँ।
दोनों डिवाइसेस के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग पे भी अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन हमें मिल रहा है, और ये पोर्ट्रेट मोड में मैंने अल्ट्रा वाइड ऑन किया हुआ है। अगर इसको हम लैंडस्केप में कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लैंडस्केप में मुझे लग रहा है ज़्यादा बड़ा एरिया जो कैप्चर किया है वो यहाँ पर गैलेक्सी A52 ने किया है, और रेडमी नोट 10 प्रो का इतना बड़ा एरिया कैप्चर नहीं किया। आप देख सकते हैं बिल्डिंग्स जो आ रही हैं साइड पर वो गैलेक्सी A52 कवर कर रहा है जबकि नोट 10 प्रो कवर नहीं कर रहा। दोनों के अंदर जूम का ऑप्शन भी मिलता है, 2x जूम पे चला गया है गैलेक्सी A52, और नोट 10 प्रो को भी ले जाते हैं हम और नोट 10 प्रो को भी ले जाते हैं 2x जूम पे। ये आ गया है दोनों डिवाइसेस का 2x जूम। इसके अंदर आप देख सकते हैं नोट 10 प्रो यहाँ पे डिटेल्स छोड़ रहा है, मिस कर रहा है, ब्लर हो गई है इमेज, जबकि गैलेक्सी A52 के अंदर डिटेल्स काफ़ी साफ हैं, वाज़े हैं, और ये एक डिफरेंस है दोनों डिवाइसेस के कैमरा के। तो दोनों डिवाइस के कैमरा एप्लीकेशन ओपन करते ही डायरेक्ट हमारे पास फ़ोटोज़ का ऑप्शन आता है। फ़ोटोज़ के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन दोनों में मिल रहा है हमें। दोनों डिवाइसेस के अंदर अल्ट्रा वाइड आप देख सकते हैं 0.6x पे जा रहा है नोट 10 प्रो, और 0.5x पे जा रहा है हमारे पास गैलेक्सी A52। नॉर्मल मोड पर दोबारा जाते हैं, उसके अलावा हमारे पास 2x जूम मिल रहा है गैलेक्सी A52 में, और 2x जूम हमें मिल रहा है नोट 10 प्रो के अंदर भी। तो ये डायरेक्ट स्टार्टिंग में आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके अलावा ऊपर के साइड पे आप देखते हैं इसमें आपको टाइमर का ऑप्शन, HDR, AI का ऑप्शन मिल रहा है, सीन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास सिंगल टेक का ऑप्शन मिल रहा है गैलेक्सी A52 के अंदर, जिसमें एक दफ़ा क्लिक करने पे कोई 10 इमेजेस कैप्चर करता है अलग अलग शॉट के साथ। उसका हम यहाँ पे कैप्चर भी कर लेते हैं, जिसमें आपको ऑटोमेटिक 10 डिफरेंट इमेजेस दिखाता है, एंगल्स भी चेंज करके, उसमें सीन चेंज करके, कलर्स चेंज करके, जो आपको पसंद आए वो आप सोशल मीडिया के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे गैलेक्सी ने फ़न का एक नया चीज़ अनाउंस की है, और इसको हम दिखाएंगे जब हमारे पास नेट कनेक्ट होगा। अभी यहाँ पे नेट कनेक्ट नहीं है, उसको मैं स्टूडियो में चल के दिखाता हूँ। उसके अलावा वीडियो सेक्शन पर जाते हैं, और यहाँ पर भी वीडियो सेक्शन में आ जाते हैं गैलेक्सी नोट 10 प्रो के। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों डिवाइसिस के अंदर हमारे पास बैक कैमरे पर अल्ट्रा HD 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल रहा है नोट 10 प्रो में भी। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, नोट 10 प्रो में भी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग मिल रही है 30 FPS पे, 1080p मिल रही है 60 FPS पे। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे भी 1080p 30 FPS पे मिल रही है, और अल्ट्रा HD भी 30 FPS पे मिल रही है। यानी नोट 10 प्रो के अंदर हमें 4K 30 FPS और 1080p 60 FPS पे ऑप्शन मिल रहा है, जबकि गैलेक्सी A52 में हमें ये ऑप्शन नहीं मिल रहा। दोनों में स्टेबलाइजेशन मिल रही है, लेकिन गैलेक्सी A52 के अंदर OIS की सपोर्ट दी गई है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, जिसकी स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छी है। मैंने अभी शॉट्स भी आप लोगों को दिखाए दोनों के, जबकि हमारे पास नोट 10 प्रो के अंदर EIS की सपोर्ट मिल रही है, इसकी स्टेबलाइजेशन है लेकिन इतनी खास नहीं जितनी हमारे पास मिल रही है नोट 10 प्रो गैलेक्सी A52 के अंदर। वीडियो रिकॉर्डिंग के अलावा वीडियो के अंदर भी आपको अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन मिल रहा है दोनों डिवाइसेस के अंदर। वीडियो के अंदर भी आप 10x ऑप्टिकल जूम तक जा सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास दोनों डिवाइसेस के अंदर 10x ऑप्टिकल जूम तक जाएंगी डिवाइसेस। और इसके अलावा नॉर्मल मोड पर जाते हैं दोनों के अंदर, वीडियो रिकॉर्डिंग के अलावा हम जाते हैं प्रो मोड पर। यहाँ पर प्रो मोड ऑन कर दिया है मैंने नोट 10 प्रो का, और इसी तरह प्रो मोड पर हम जाते हैं गैलेक्सी A52 के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों के अंदर आउट ऑफ फोकस का ऑप्शन मिल रहा है, ISO का ऑप्शन दोनों के अंदर हमें मिलेगा। यहाँ पे ISO का ऑप्शन मिल रहा है, लेंस का ऑप्शन हमें मिल रहा है, लेकिन एक डिफरेंस है दोनों के अंदर, वो ये डिफरेंस है कि हमारे पास गैलेक्सी A52 के अंदर रॉ इमेजेस कैप्चर करने का ऑप्शन भी है। यहाँ पे आप रॉ इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं, जबकि गैलेक्सी A52 में नहीं मिलेगा। नोट 10 प्रो के अंदर गैलेक्सी रॉ इमेजेस कैप्चर करने का ऑप्शन है, तो इसको जो बेहतर जानते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। प्रो मोड के अंदर आपको कलर बैलेंस किस तरह रखना है, अच्छा इसके बारे में डिटेल में यहाँ पे बताया हुआ अभी है रेडमी नोट 10 प्रो के अंदर, कि मीटरिंग मोड आपने प्रो मोड किस तरह यूज़ करना है, फोकस किस तरह करना है, एक्सपोजर वेरिफिकेशन किस तरह करनी है, हिस्टोग्राम जूम के आपको ऑप्शन किस तरह करना है, लॉक फॉर्मेट आपको किस तरह यूज़ करना है, वाइड बैलेंस, सेपरेट फोकसिंग, सारी डिटेल इस पर मेंशन है। शटर स्पीड, फोकस, एक्सपोजर कंपेरिजन के बारे में, ISO सेंसिटिविटी के बारे में, लेंसेज के बारे में सारा बताया गया है। तो अगर आपने कुछ इसमें से चीज़ें सीखनी हो, पढ़नी हो, समझनी हो, तो वो ऑप्शन भी आपके पास यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा मोर के ऑप्शन पर जाते हैं दोनों डिवाइसेस के, तो मोर के अंदर हमारे पास गैलेक्सी A52 में AR डूडल्स का ऑप्शन मिलता है। प्रो मोड तो मैंने आपको दिखाया, पैनोरामा फूड का ऑप्शन है, नाइट मोड मैंने आपको दिखाया, दोनों के नाइट शॉट्स भी दिखाता हूँ, मैक्रो मोड है, पोर्ट्रेट मोड है,
प्रो वीडियो मोड है, वीडियो के अंदर भी प्रो मोड आपको मिल रहा है, सुपर स्लो मोशन हाइपरलैप्स का ऑप्शन है। अब इन दोनों डिवाइसेस की स्लो मोशन की वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपको दिखाता हूँ। जब भी हम आते हैं यहाँ पे नोट 10 प्रो के अंदर, तो यहाँ पे नाइट मोड हमें मिल रहा है फ्रंट पे, 108 मेगापिक्सल का ऑप्शन है, शॉर्ट वीडियो का ऑप्शन है, पैनोरामा डॉक्यूमेंट मोड है, वीलॉग का ऑप्शन है। ये एक बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है, जो लोग वीलॉग बनाते हैं और ज़्यादातर उनको सोशल मीडिया के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनानी होती हैं, काफ़ी अच्छे फीचर्स मिलेंगे इसकी, मैं आपको डिटेल्स कुछ वीडियोज़ दिखाता हूँ। स्लो मोशन का ऑप्शन मिल रहा है, टाइम लैप्स का है, डुअल वीडियो का ऑप्शन हमें मिल रहा है। डुअल वीडियो का ऑप्शन यहाँ पे गैलेक्सी A52 के अंदर नहीं मिल रहा, यहाँ पे हमें रेडमी नोट 10 प्रो के अंदर ऑप्शन दिया गया है। लॉन्ग एक्सपोजर का ऑप्शन है, क्लोन का ऑप्शन है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है क्लोन के अंदर। अगर आपने क्रिएटिविटी करनी है सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम या फिर आपको FB पे, तो आपको बहुत अच्छे फीचर्स मिलने वाले हैं। ये भी सारे में फीचर्स आपको जो इन फीचर्स से जो ली गई पिक्चर्स और वीडियोज़ हैं वो शेयर करता हूँ, और आप देखिएगा, अंदाज़ा लगाइएगा आप क्या क्रिएटिविटी कर सकते हैं इसके साथ, रेडमी नोट 10 प्रो के साथ। तो नोट 10 प्रो के अंदर आपको ज़्यादा फीचर्स इस तरह अच्छा मिलेंगे। अगर आपने एक ऐसा फ़ोन बाय करना है जिसमें आपने क्रिएटिविटी बहुत करनी है, सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा आप एक्टिव रहते हैं, इंस्टाग्राम पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं, तो आपको नोट 10 प्रो में काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे। और गैलेक्सी A52 के अंदर इतने अच्छे ऑप्शंस नहीं मिलने वाले, इसमें आपको फोटोज़ काफ़ी अच्छी कैप्चर मिल जाएंगी, रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, वीडियो रिकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी मिल रही है, लेकिन आपको इतनी क्रिएटिविटी नहीं मिलेगी जो नोट 10 प्रो के अंदर मिल रही है। तो यहाँ पे हमारे पास Redmi Note 10 Pro के अंदर डुअल वीडियो का ऑप्शन भी है, जिसमें हम इस तरह से वीडियोज़ भी बना सकते हैं और इसको चेंज भी कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे दोनों डिवाइसेस के कैम पिक्चर्स की तरफ आ जाते हैं। दोनों डिवाइसेस जो ओरिजिनली सपोर्ट करती हैं नोट 10 प्रो 12 मेगापिक्सल, जबकि सैमसंग A52 16 मेगापिक्सल, जो कि पिक्सल बाइंडिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू बड़ी पिक्चर्स कैप्चर करती हैं। यहाँ पे आप देखते हैं तो सैमसंग गैलेक्सी A52 की पिक्चर क्वालिटी ज़्यादा बेहतर लग रही है, कलर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं नोट 10 प्रो के मुकाबले में। इसी तरह ये दोनों डिवाइसेस की 108 मेगापिक्सल और 64 मेगापिक्सल की पिक्चर्स हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं वाजे तौर पे 64 मेगापिक्सल का पिक्चर ज़्यादा अच्छा नज़र आ रही है, लेकिन नोट 10 प्रो को हम जितना ज़्यादा जूम करेंगे उतनी ज़्यादा डिटेल्स हमें मिल जाएंगी A52 के मुकाबले में। इसी तरह ये कुछ अल्ट्रा वाइड के शॉट्स हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं नोट 10 प्रो ने ज़्यादा एरिया कैप्चर किया है गैलेक्सी A52 के मुकाबले में, सेम ही लग रहा है मुझे, बहुत कम डिफरेंस है दोनों के एरिया में। और ये दोनों डिवाइसेस के पोर्ट्रेट मोड की पिक्चर्स हैं, इसके अंदर आप देख सकते हैं दोनों डिवाइसेस ने काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड को ब्लर किया है, और एजेस अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कोई फेस नहीं था, फ्लावर को हमने पोर्ट्रेट मोड पे लिया है, तो इतना ज़्यादा एजेस का फ़र्क डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा, लेकिन दोनों ने बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा ब्लर किया है। इसके अलावा नेक्स्ट इमेजेस की तरफ चलते हैं, तो ये हमारे पास है दोनों डिवाइसेस के मैक्रो शॉट पे आप देख सकते हैं बहुत प्यारी पिक्चर्स कैप्चर की हैं दोनों डिवाइसेस ने, लेकिन जो ज़्यादा अच्छे कलर्स नज़र आ रहे हैं वो नोट 10 प्रो के कलर्स ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं मुझे, ओरिजिनल कलर्स हैं। और इसके अलावा गैलेक्सी A52 ने कलर को थोड़ा सा चेंज कर दिया है फ्लावर के कलर को, और लेकिन पिक्चर दोनों ने बहुत करीब से कैप्चर की है, दोनों में 4 सेंटीमीटर के डिफरेंस से आप पिक्चर कैप्चर कर सकते हैं दोनों डिवाइसेस के अंदर। इसके अलावा दोनों डिवाइसेस की लो लाइट की पिक्चर्स हैं, जब थोड़ा सा अंधेरा शुरू हुआ था उस टाइम पे पिक्चर कैप्चर की गई हैं। इसके अंदर गैलेक्सी A52 ने काफ़ी अच्छी पिक्चर कैप्चर की है, लाइटिंग काफ़ी अच्छी है, और नोट 10 प्रो ने स्काई को काफ़ी अच्छा कैप्चर किया है। अगर आप उसकी तरफ देखें आसमान की तरफ, तो कलर्स काफ़ी अच्छा लग रहा है, ब्लू कलर को नेचुरल नहीं है लेकिन काफ़ी खूबसूरत बना दिया है। इसी तरह ये दोनों की नाइट मोड की पिक्चर्स हैं, इसके अंदर आप देख सकते हैं जो ऊपर वाली पिक्चर है गैलेक्सी A52 की, और उसके साथ ही उसके नीचे नाइट मोड ऑन करके पिक्चर ली है गैलेक्सी A52 की। जब हमने नाइट मोड ऑफ करके पिक्चर ली है तो बहुत ज़्यादा अंधेरा आया है, पिक्चर बिल्कुल वाजे नहीं है, लेकिन जब हम इसका नाइट मोड ऑन किया है तो काफ़ी ज़बरदस्त लाइटिंग डाली है नोट 10 प्रो ने। और इसी तरह गैलेक्सी A52 की तरफ जाते हैं दूसरी तरफ राइट साइड पर गैलेक्सी A52 की पिक्चर्स हैं, इसके अंदर आप देख सकते हैं बगैर हमने नाइट मोड ऑन किए भी पिक्चर ली है उस वक्त भी काफ़ी अच्छा कैप्चर किया, लाइट्स काफ़ी अच्छी डाली, सीन ऑप्टिमाइज़र ऑन होता है तो ऑटोमेटिक पिक्चर्स में जब अंधेरा होता है तो ये ऑटोमेटिक लाइट बढ़ा देता है, और जब हम इसका नाइट मोड ऑन करके पिक्चर लेते हैं तो इतनी ज़बरदस्त पिक्चर्स आ रही है, बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि ये डे लाइट की पिक्चर है या नाइट मोड की पिक्चर है। यहाँ पे इस टाइम बिल्कुल अंधेरा था और इतनी ज़बरदस्त लाइटिंग डाली है कि बिल्कुल पता नहीं चल रहा ये पिक्चर इतने ज़्यादा अंधेरे में ली गई है। नाइट मोड गैलेक्सी A52 का बहुत बेहतरीन है नोट 10 प्रो के मुकाबले में, मुझे बहुत पसंद आया। इसके अलावा ये दोनों
दोनों डिवाइसेज के सेल्फी कैमरे के पिक्चर्स हैं। फ्रंट कैमरे पे मुझे इतना खास फ़र्क नहीं मिला दोनों डिवाइस के अंदर, थोड़ा बहुत फ़र्क था। नोट 10 प्रो जो है वो ओरिजिनल पिक्चर्स, ओरिजिनल कलर्स, ओरिजिनलिटी कैप्चर करता है, जबकि गैलेक्सी A52 थोड़ा सा उसको ऑप्टिमाइज़ करता है, बेहतर करता है, ब्यूटिफिकेशन थोड़ी सी इसमें अच्छी मिल रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड की अगर बात करें तो दोनों में सेम कलर्स हमें लग रहे हैं। बाकी अगर शर्ट के कलर की बात करें तो शर्ट दोनों में सेम है, दोनों ने सेम कैप्चर की है, शर्ट के कलर्स के अंदर इतना बड़ा फ़र्क नहीं है। तो यहाँ पर फ्रंट कैमरे पर मुझे गैलेक्सी A52 द्वारा बेहतर लगा। अब हम चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन में यहाँ पे मैं अगर बताऊँ अपनी राय तो मुझे ज़्यादा बेहतर लगा है गैलेक्सी A52 का कैमरा, और हर चीज़ में हमने उसको पिक्चर्स में, वीडियोस में, वॉइस में हर तरह से चेक किया, जिसके अंदर मुझे नोट 10 प्रो के मुकाबले में गैलेक्सी A52 का कैमरा काफ़ी अच्छा लगा। इसके अंदर आपको वाइड एंगल काफ़ी अच्छा मिल रहा है, इसके अंदर आपको कलर्स काफ़ी अच्छे मिलेंगे, इसके अंदर आपको डायनेमिक रेंज काफ़ी अच्छी मिल रही है, इसके अंदर आपको पोर्ट्रेट मोड, आपको मैक्रो मोड, इसके अलावा आपको पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं नोट 10 प्रो की, तो नोट 10 प्रो के अंदर आपको फीचर्स काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया, अगर आप सोशल मीडिया एक्टिव पर्सन हैं और आपको क्लोन वीडियो यूज़ करनी है, आपको नई नई क्रिएटिविटी करनी है सोशल मीडिया के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, और आपको काफ़ी सारे फीचर्स ऐसे चाहिए जो कि आपको दूसरी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती हैं, आपको यहाँ पे बिल्टन एप्लीकेशन के बिल्टन फीचर्स मिल रहे हैं, तो आप नोट 10 प्रो को यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके अंदर जो 108 मेगापिक्सल का ऑप्शन है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, उसमें पिक्सल्स काफ़ी ज़बरदस्त हैं, पिक्सल्स नहीं फट रहे, डिटेल्स बहुत आती हैं, और जितना आप जूम कर लें उसमें आपको काफ़ी अच्छी डिटेल्स मिलेंगी। लेकिन ओवरऑल बात करें तो मुझे गैलेक्सी A52 ज़्यादा बेहतर लगा है। आप लोगों क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।